मेरा वह है इश्क आखरी है तू हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कुछ इस तरह का 3D स्टेटस वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह का 3D स्टेटस वीडियो क्रिएट करना बहुत ही आसान है। अगर आपको सीखना है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेते हैं तो आप सेम इसी तरह का वीडियो क्रिएट करना सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आपको इस तरह का वीडियो क्रिएट कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का वीडियो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चले जाना है और वहां मैंने दो प्रीसेट लिंक दिया है, दोनों को आपको अपना अलाइट इमोशन एप्लीकेशन में इंपुट कर लेना है। इंपुट करने के बाद आगे का प्रोसेस हम अपने अलाइट इमोशन एप्लीकेशन पे करेंगे। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अपने अलाइट इमोशन एप्लीकेशन को ओपन कर चुके और अपने बीट मार्क वाले प्रीसेट को भी ओपन कर चुके। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अपने सॉन्ग को बीट के हिसाब से मार्क कर चुके हैं। इसके बाद हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे। स्टार्टिंग पे आने के बाद हम इन तीनों लेयर में अपना फोटो एड करेंगे। फोटो एड करने के लिए सिंपली हम किसी एक लेयर को सिलेक्ट करेंगे, कलर एंड फिल पे क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना फोटो एड कर लेंगे। हम आपको बता दें कि इसमें आपको उसी फोटो को सिलेक्ट करना है जिसका साइज 9:16 हो। आपको अपने फोटो की साइज को क्रॉप करके 9:16 कर लेना होगा। तो चलिए हम किसी एक फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ प्लस पे क्लिक कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे एक लेयर में फोटो एड हो चुका। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे, कलर एंड फिल पे क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना नेक्स्ट फोटो एड कर लेंगे। इस फोटो का भी साइज आपका 9:16 होना चाहिए। तो चलिए हम किसी एक फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ प्लस पे क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों लेयर में हम अपना फोटो एड कर चुके। इसी तरह से आपको तीनों लेयर में अपना फोटो एड कर लेना होगा। फोटो एड करने के बाद हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, जहाँ पे हमारा पहला बीट मार्क है वहाँ पे हम आ जाएंगे। फिर हम यहाँ से लेके एंड तक फोटो एड करेंगे। फोटो एड करने के लिए सिंपली हम यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना फोटो एड कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करके हम इस फोटो को फुल स्क्रीन कर लेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, जहाँ पे हमारा नेक्स्ट बीट मार्क है वहाँ पे हम आ जाएंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक करके इसके ड्यूरेशन को बढ़ा देंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और अपना दूसरा फोटो एड कर लेंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करके हम इस फोटो को भी फुल स्क्रीन कर लेंगे। इसके बाद हम फिर से थोड़ा सा आगे जाएंगे, जहाँ पे हमारा नेक्स्ट बीट मार्क है वहाँ पे हम आ जाएंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक करके इसकी भी ड्यूरेशन को बढ़ा देंगे। इसी तरह से एंड तक अपना फोटो हम एड कर लेंगे। तो चलिए हम इसको एड कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंड तक हम अपना सारा फोटो एड कर चुके हैं। इसके बाद हम इन सारे फोटो पे इफेक्ट एड करेंगे। इफेक्ट एड करने के लिए सिंपली हम बैक जाएंगे और अपने इफेक्ट वाले प्रीसेट को ओपन करेंगे। इफेक्ट वाले प्रीसेट को ओपन करने के बाद हम पहले नंबर वाले फोटो को सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ कॉपी इफेक्ट पर क्लिक करके हम इस इफेक्ट को कॉपी कर लेंगे। इसके बाद फिर हम बैक जाएंगे और अपने बीट मार्क वाले प्रीसेट को ओपन करेंगे। बीट मार्क वाले प्रीसेट को ओपन करने के बाद एक नंबर इफेक्ट में जो फोटो है उसी फोटो पर हम इस इफेक्ट को पेस्ट कर लेंगे। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक नंबर इफेक्ट हमारा यहाँ पे है। तो सिंपली हम इसकी फोटो को सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पेस्ट इफेक्ट पर क्लिक करके हम इस इफेक्ट को यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर हम बैक जाएंगे और अपने इफेक्ट वाले प्रीसेट को ओपन करेंगे। इफेक्ट वाले प्रीसेट को ओपन करने के बाद हम दूसरे नंबर वाले फोटो को सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ कॉपी इफेक्ट पर क्लिक करके हम इस इफेक्ट को कॉपी कर लेंगे। इसके बाद फिर हम बैक जाएंगे और अपने बीट मार्क वाले प्रीसेट को ओपन करेंगे। बीट मार्क वाले प्रीसेट को ओपन करने के बाद दो नंबर इफेक्ट में जो फोटो है उस फोटो पर हम इस इफेक्ट को पेस्ट कर लेंगे। तो चलिए हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो नंबर इफेक्ट हमारे यहाँ पे है। तो सिंपली हम इसकी फोटो को सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पेस्ट इफेक्ट पर क्लिक करके हम इस इफेक्ट को यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर हम बैक जाएंगे और हम फिर से इफेक्ट वाले प्रीसेट को ओपन करेंगे। इफेक्ट वाले प्रीसेट को ओपन करने के बाद हम तीसरे नंबर वाले फोटो को सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ कॉपी इफेक्ट पर क्लिक करके हम इस इफेक्ट को कॉपी कर लेंगे। इसके बाद फिर हम बैक जाएंगे और अपने बीट मार्क वाले प्रीसेट को ओपन करेंगे। बीट मार्क वाले प्रीसेट को ओपन करने के बाद तीन नंबर इफेक्ट में जितना भी फोटो है सारे फोटो पर हम इस इफेक्ट को पेस्ट कर लेंगे। तो चलिए हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तीन नंबर इफेक्ट हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सिंपली हम इसकी फोटो को सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पेस्ट इफेक्ट पर क्लिक करके हम इस इफेक्ट को यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट फोटो को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम यहाँ इफेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट पर क्लिक करके हम इस इफेक्ट को यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। इसी तरह से हम जितना भी फोटो तीन नंबर इफेक्ट में है सारे फोटो पर हम इस इफेक्ट को पेस्ट कर लेंगे। तो चलिए हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अपने सारे फोटो पे इफेक्ट एड कर चुके हैं। तो फाइनली हमारा वीडियो क्रिएट हो चुका। तो चलिए हम एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि हमारा वीडियो देखने में कैसा है।
तो दोस्तों हमारा वीडियो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। अगर इसे हमें सेव करना है सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक कर लेंगे। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद हमारा वीडियो एक्सपोर्टिंग हो रहा है, हम कुछ देर वेट करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा वीडियो एक्सपोर्टिंग हो चुका। इसके बाद हम यहाँ सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारा वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।